नमस्कार, मेरा नाम इस्माइल खान और आप देख रहे हैं अमर उजाला। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार कहा था कि उनके प्रदेश की सड़कें अमेरिका की सड़कों से अच्छी है। खंडवा में हम बात करें तो खंडवा की जो निगम है वो बहुत सालों से यहाँ पे बीजेपी का कब्जा रहा है। यहाँ का महापौर, यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद और प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये सभी बीजेपी के होने के बावजूद खंडवा की सड़कें जो है गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। इसको लेकर कांग्रेस ने अभी यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया। किस तरह से उन्होंने विरोध किया था इसको लेकर हम समझने के लिए यहाँ मौजूद है। हमारे साथ कांग्रेस के जो नेता प्रतिपक्ष मौजूद है, उनसे हम समझेंगे कि उनका किस तरह का विरोध था और उन्होंने क्या किया यहाँ पर। देखिए, 5 साल से ये ब्रिज लावारिस है, इसको कांग्रेस ने गोद लेके रखा था और आम जो समाज से उन्होंने भी इसको गोद लग के रखा था। अगर हम नगर निगम को बोलते थे या PWD को बोलते थे तो वो कहते थे कि हमारे अंडर में नहीं आता, मतलब ये एक तरीके से लावारिस था। यहाँ पर इतने बड़े तादाद में ये ब्रिज में आवागमन होता है कि यहाँ पर आए दिन कम से कम 10 से 20 दुर्घटनाएं हो रही थी। पिछली जनसुनवाई में जाकर मैंने कलेक्टर महोदय को निवेदन किया था कि साहब आप उस गड्ढों का निराकरण कराइए और शहर में जो गड्ढे उनका भी निराकरण कराइए, लेकिन वो गड्ढे उन्होंने बोला भी था वो जमीनी स्तर पर नहीं उतर पाए। आज हमने यहाँ आंदोलन करा, पूजा पाठ करी गड्ढों की, तो कलेक्टर साहब का निकलना होगा। तो हमने आज कलेक्टर साहब को रोक कर उनको वास्तविक स्तर से अवगत कराया कि साहब ये एकमात्र ब्रिज है और इस ब्रिज की ये हालत है, इसका जवाबदार कौन है। अगर यहाँ के जनप्रतिनिधि अगर ये कहते हैं कि ये विकास है तो मैं महापौर और विधायक जी से कहना चाहता हूँ, और वो अगर मेरी राय मानेंगी तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर ये विकास है उनका तो फिर इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जनता को आप परेशान कर रहे हो। आए दिन आपकी जनता है, आपको हजारों वोटों से उन्होंने जिताया है और उनकी अगर दुर्घटना में किसी की जान जा रही, किसी के पैर हाथ टूट रहे, तो इसका दोषी कौन है? आपको बड़े विश्वास से जिताती है खंडवा की जनता, हर बार आपको सिरमौर करती है, आपको सर पर बिठाती है, कभी 58,000 से, कभी 38,000 से, जबकि आप काबिल नहीं हो, उसके बाद भी आप लोगों को खंडवा की जनता जिता रही है। तो आप इस तरीके से उनका शोषण नहीं कर सकते। तो कांग्रेस के जो नेता प्रतिपक्ष है उन्होंने इस तरह के विकास को लेकर जो निगम के महापौर है उनसे इस्तीफे तक की मांग कर दी है। हम आपको इसमें एक चीज और बता दें कि जब ये कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन चल रहा था उस समय यहाँ के जो जिला कलेक्टर है उनका गुजरना हुआ और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उन्होंने उन्हें रोक लिया और उन्होंने सड़कों की वास्तविक स्थिति दिखाई, जिसके बाद जो कलेक्टर है उन्हें इन सड़कों पर पैदल ही चलना पड़ा। और समझते हैं कि किस तरह से कलेक्टर ने इन्हें क्या बातचीत हुई है। कलेक्टर साहब से आपको रोका था तो क्या बातचीत हुई? कलेक्टर साहब से रोका, कलेक्टर साहब से निवेदन किया कि सर आप खुद देख लीजिए यहाँ पर आके। कलेक्टर साहब खुद उतरे, उन्होंने तो जब वास्तविकता देखी तो कलेक्टर साहब बोले कि पहले आप इधर साइड में आइए, मैं आपसे बात करता हूँ, पहले ट्रैफिक को आप जाने दो। ट्रैफिक को जाने दिया, फिर कलेक्टर साहब ने सुनी, सब लोगों की बातें सुनी। कलेक्टर साहब ने भी यही बोले कि ये वास्तविकता बहुत गलत चीज़ है। उन्होंने सब आला अधिकारियों को फोन लगाया, आला अधिकारी को फोन लगाने के बाद बोला कि तुरंत आओ और मेरे को ये तुरंत किसी भी तरीके से ये काम चाहिए, काम जैसे ही हो मेरे को आप फोन करना। कलेक्टर साहब आश्वासन दे के गए हैं कि बोले मैं मीटिंग लेता हूँ और ये जहाँ पर भी है, जिन बच्चों के साथ दुर्घटना हुई है, जिनका एक्सीडेंट हुआ है, मैं उनको देखते हुए संज्ञान में लेके ये सब काम करवाता हूँ। हमारे साथ यहाँ पे कांग्रेस के पार्षद भी मौजूद हैं, उनसे समझते हैं कि क्या रहा था ये विरोध प्रदर्शन का। वास्तु में स्थिति इतनी खराब है, ये तो चलो ठीक है, एक ब्रिज का मामला है, गड्ढे उसमें हो गए हैं, बाकी शहर की भी स्थिति बहुत दर्दनीय है। कॉलोनियों के अंदर रोड मूलभूत सुविधा से लोग वंचित है, 15 दिन से पानी के लिए परेशान थे, पानी भी आया तो मटमेला पानी आया है। विकास के नाम पे तो 0/0 सिर्फ आश्वासन की लालीपाप दे के घुमा रहे हैं नगर निगम, और काम जमीनी स्तर के ऊपर काम का कोई ठिकाना नहीं है। कितनी बार आवेदन निवेदन सब चीज़ें करने के बाद में भी वार्ड में काम, किसी भी वार्ड में काम नहीं हो रहा है। हाँ, पक्षपात हो रहा है, ये बात तो मैं मानता हूँ कि पक्षपात तो हो रहा है हम लोगों के साथ में, कांग्रेस के पार्षदों, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का और पार्षदों का ये साफ कहना है कि यहाँ पर खंडवा में जो है इनके साथ पक्षपात किया जा रहा है और खंडवा में किसी तरह का विकास नहीं हो रहा है। हम आपको अब सुनाते हैं कि इसको लेकर जिला कलेक्टर ने क्या कहा। आज जो है यहाँ पर प्रदर्शन किया गया और आपको भी रोका गया लोगों ने, कांग्रेस के लोग थे, क्या कुछ समस्या बताई है, क्या समाधान है सर? ये जो रेलवे और ओवरब्रिज है तो उसमें आपने देखा जो ज्वाइंट है उस पर डामर है, तो बारिश में वो एक्सपोज हो गया था, तो सरिया देख रहे थे, वही उनकी मांग थी जो ज्वाइंट्स पे इसको रिपेयर कराया जाए। तो अभी 2 दिन पहले मुझे आपके पत्रकार साथी ने फोटो भेजा था, तो मैंने उनके जो इंजीनियर कापसे भूपेन कापसे को बुलाया था, तो यही बताया गया चूँकि अभी बारिश लगातार हो रही है तो उनके द्वारा हटाया गया था, इसमें गिट्टी विट्टी डाल के इसको कराएंगे और ज्वाइंट पे डामर भी कराएंगे, लेकिन क्योंकि अभी बारिश का मौसम है उनके द्वारा ऐसा बताया गया कि जब तक नमी रहेगी तो वो उतना अच्छे से सेट नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ उसका अगर बारी बारी से हम 5-5, 6-6 दिन पे रिपेयर कराते रहेंगे तो अपने बारिश का काम चल जाएगा। अभी वो और लोग, दोनों लोग उनके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी पंचमढ़ी में है किसी मीटिंग में, वो भी आ जाएंगे रात तक और कल उसको देखेंगे, जो भी हम लोग बारिश के हिसाब से बेस्ट
कर सकते हैं कर देंगे। शहर की सड़कों पर अन्य सड़कों पर भी बहुत गहरे गड्ढे हैं। देखिए ये अभी क्योंकि सभी को अभी निर्देश दिए गए थे, अभी मैं फिर शाम को सभी जो नगर निगम पीडब्ल्यूडी उनको बुला लेंगे। यदि भी बारिश से पहले सबको ये निर्देश थे कि जो भी गड्ढे हैं यदि डामर उठ सकता तो डामर करा दे, नहीं तो उसमें जो 40 mm 20 mm या जो भी ग्रेवल हो सकता है जिसको भरवा के कोई पानी भरने से कोई दुर्घटना का शिकार ना हो। तो मैं अभी शाम को बुलवा के एक बार फिर से पूछ लेता हूँ कि किस किस जगह गड्ढे नहीं भरने यदि रह गए तो उसको वापस भरवा दिया जाएगा। थैंक यू। तो ये खंडवा के जिला कलेक्टर थे जो बता रहे थे कि उन्होंने किस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बातें सुनी है और इसको लेकर उन्होंने किस तरह का आश्वासन दिया है। खंडवा से इस्माइल खान। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।